नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTU। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पटना सिटी अनुमंडल खंड 2 के प्रत्येक थानों में शांति समिति की बैठक रखी गई है, चाहे वो खाजीकला थाना हो, मालसलामी थाना हो या फिर चौक थाना हो। मुहर्रम को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है कि कब से अखाड़ा, अपने अपने अखाड़ा कितने बजे निकालेंगे और साथ में DJ का अलाव है नहीं, आम से चाहे अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करेगा या नहीं। ये तमाम मुद्दों पर जो थाना अध्यक्ष है, मतलब खाजकला थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना हो, मलसलामी थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह हो या फिर चौक थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा जी हो, ये तमाम अपने अपने थाना में अपने अपने जहाँ जहाँ मुहर्रम का जो स्वीपर जो निकलता है उस बिंदुओं पर तमाम लोगों से चर्चा की है। क्या कुछ कर रहे हैं अलग अलग थानों के थाना प्रभारी, जब उनकी बात को सुन लेते हैं। हम माल सलामी जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की शांति समिति, ठीक है। तो आप लोग मेन जो है कितना का खड़ा है, लाइसेंस जो है हम जल्दी से जल्दी आप जाते हैं, लाइसेंस जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। मुहर्रम को लेकर आज चौक थाना में शांति समिति की बैठक हुई, क्या क्या निर्णय लिया गया? शांति समिति की बैठक की गई है जिसमें मुहर्रम अखाड़ा के भी लोग इसमें शामिल हैं, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस मार्ग से कितने समय पे और किधर जाएंगे, ये सारी जानकारियां लेने के पश्चात फिर निर्णय लिया जाएगा इसके लिए। क्या DJ पूर्णतः प्रतिबंधित है, हथियार वगैरह भी प्रतिबंधित है, लाइसेंस अति आवश्यक है, प्रत्येक अखाड़ा को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, क्या क्या निर्णय हुआ? देखिए, जो सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का आयोजन हो और सब बिल्कुल उसी के आलोक में सभी का सुझाव लिया गया ताकि पूर्वानुमान से लोगों को किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। और सबको सरकार का जो निर्देश है, किसी तरह का DJ नहीं बजेगा, किसी तरह का तलवारबाजी, किसी तरह यार किसी तरह की नारेबाजी, इन सब के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, सबको निर्देश, सख्त निर्देश दिया गया। आप कहाँ कहाँ कर लीजिएगा कि आगामी जो पर्व त्यौहार है वो शांतिपूर्वक सम्पन्न, आपसी सौहार्द और शांति समिति का उद्देश्य यही, उसका हम लोग आकलन कर लें, उसका पूर्वानुमान कर लें, आपसे फीडबैक ले लें ताकि कोई ऐसा चीज़ हो अगर आपके दिमाग में आया हो तो उस चीज़ को अभी से ही हम पुलिस प्रशासन उत्पन्न कर उसकी कार्रवाई कर सके, उसको निरोधात्मक तरीके से रोका जा सके ताकि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो। तो शांति समिति में आप लोगों का जितना भी सुझाव है उस पर हम लोग अभी से कार्य करेंगे और आप लोगों से सरकार का जो निर्देश, सरकार का उद्देश्य और निर्देश बिल्कुल निश्चित है, वो है कि भाई हमारा जो पर्व त्यौहार हो बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न। गाय तो मेरे घर के पास में थी तो वो तो ड्राइवर कहेंगे कि अभी मुहर्रम का टाइम है तो हटा दिया, ज़्यादा 10 दिन के लिए हटा दिया, कितना दिन तो लगाती ही रहता है गाय, तो वहाँ पर बंधी रहती है वहीं बाड़े के पास, साफ खाना जितना भी होता ही हम लोग उसको सहते भी हैं, अब क्या किया जाए। देखिए, आज आगामी मुहर्रम त्यौहार को लेकर खाजकला थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे स्थानीय क्षेत्र से सभी जनप्रतिनिधि महोदय, यहाँ पर समाजसेवी लोग, साथ ही जो भी ताजिया कमेटी हैं उनके भी मैं अध्यक्ष और सदस्य लोग आए हैं और हम लोग जो भी पर्व त्यौहार का जो SOP है
जो लाइसेंस में जो शर्त हैं उनकी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही जहां जहां पर भी आम लोगों से या कमेटी मेंबर से और हमारे जो भी यहां पर सम्मानित शांति समिति के सदस्य हैं सभी से सुझाव भी विभिन्न बिंदुओं पर ली गई है और हर सुझाव पर जो भी विधि सम्मत और जो उसका निराकरण है उसके बारे में चर्चा की गई है और अंततः हम लोग सभी बिल्कुल इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर संकल्पित हैं कि आगामी जो हमारा त्यौहार है बिल्कुल सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे ढंग से इसका सफलतापूर्वक समापन किया जाएगा। ये थे खजकला थाना अध्यक्ष, मलसरामी थाना अध्यक्ष और चौक थाना अध्यक्ष। अलग अलग बिंदुओं पर तमाम अखाड़ों वालों को और ख़ास करके लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर के लिए SDPO खंड 2 के डॉक्टर गौरव कुमार जी चौक थाना में आए थे और तमाम अखाड़ों वालों से भी बात विचार किए हैं। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।